नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक 3 BHK फ्लैट लेके आए हैं द्वारका मेट्रो स्टेशन से 300 मीटर की दूरी पे, बहुत चौड़े रोड की प्रॉपर्टी। जी हाँ, 30 फीट चौड़ा रोड आपको मिलता है, लिफ्ट कार पार्किंग के साथ लोनेबल प्रॉपर्टी है। और यहाँ से आप बिना ट्रैफिक में फंसे द्वारका, साउथ दिल्ली, गुड़गांव, जहाँ पे भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। आइए इस फ्लैट को दिखाना शुरू करते हैं आपको और बताते हैं इसके अंदर आपको क्या साइज और किस तरह का काम करा हुआ मिलता है। सो दोस्तों, ये है हमारा पार्किंग स्पेस जिसके अंदर आप अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। 300 मीटर मेट्रो का डिस्टेंस है और मेन रोड भी यहाँ से सिर्फ 300 मीटर के ही डिस्टेंस पे है। इस प्रॉपर्टी की विशेषता ये है कि इसमें हमें बहुत बढ़िया एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट मिलते हैं, बिकॉज बड़े बड़े गेट्स हैं, नीचे काफ़ी बड़ी पार्किंग है। और यहाँ पे भी आप देखते हैं तो आपको दो गेट्स इधर मिल जाएंगे, एक गेट जहाँ से हमने एंट्री करी थी वहाँ पे मिल जाएगा, और बीच में स्टेयरकेस है जो हमें ऊपर लेके जाने के लिए मिलता है, और ये रही हमारी लिफ्ट। कुछ इस तरह का लेआउट है। पार्किंग स्पेस एम्पल है। आपके मन में ये सवाल रहता है कि क्या इतने सारे फ्लैट्स के लिए इनफ पार्किंग स्पेस होगा, तो आप देख सकते हैं ये टोटल 500 गज की प्रॉपर्टी है, 500 स्क्वायर यार्ड्स। इसके अंदर जो नीचे पूरा पोर्शन छोड़ा गया है, इसमें काफ़ी सारा आपको पार्किंग स्पेस मिल जाता है। अभी फ़िलहाल लिफ्ट चालू नहीं हुई है, बट लिफ्ट डेफिनेटली चालू हो जाएगी। और जो जीना मिलता है यहाँ पे भी हमें लगभग 5 फीट के आसपास मिलता है, और ऊपर आने के बाद भी आपको लगभग 4.5 फीट का जीना मिलेगा। हर फ्लोर पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 फ्लैट्स मिलते हैं। एक फ्लैट यहाँ पे मिलेगा, ये एक 2 BHK प्रॉपर्टी है। इधर आपको मिलेगा एक 4 BHK फ्लैट, यहाँ पे आपको मिलेगा एक 3 BHK फ्लैट। आगे आते हैं, इस तरफ भी आपको मिल जाता है हमारा 3 और 2 का कॉम्बिनेशन। ये है हमारे फ्लोर का प्लान। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैट का अंदर से प्लान क्या रहेगा। फ्लोर प्लान आपको बता चुका हूँ मैं, अब आते हैं और दिखाते हैं आपको कि फ्लैट का लेआउट और प्लान क्या रहेगा इसमें। इस फ्लैट के अंदर जो काम किया गया है काफ़ी बढ़िया और ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ में किया गया है। इवन जो डोर और लॉक भी है वो भी यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड, यानी कि आप नंबर टाइप करके, पिन टाइप करके अपनी प्रॉपर्टी में एंटर कर सकते हैं। गोदरेज के लॉक्स यूज़ किए गए हैं। सो ऑल इन ऑल द इंटीरियर एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स यूज्ड इन दिस प्रॉपर्टी आर ब्रांडेड ऑल इन ऑल। आके बस आप इस साइज़ को देखिए, इस तरह के साइज़ आपको लिविंग हॉल में आजकल काफ़ी कम मिलते हैं। यहाँ पे जो रूम के साइज़ हैं वो बिल्कुल नॉर्मल एज पर स्टैंडर्ड है, बट यहाँ पे जो लिविंग हॉल है वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा बड़ा और बढ़िया है। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं लिविंग हॉल में काफ़ी ज़्यादा टाइम हम स्पेंड भी करते हैं, तो इसका बड़ा होना काफ़ी बढ़िया और अच्छा साबित होता है। साइज़ और लेआउट, सो दिस इज़ योर किचन। सामने आपको मिलता है टीवी पैनल, उसके पीछे कॉमन वॉशरूम, दो बेडरूम्स आपको फ्रंट में मिलेंगे एंड एक बेडरूम आपको इस तरफ मिलेगा। साइज ऑफ दिस लिविंग हॉल स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो लगभग 18 फीट ऐसे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं तो ये आपको मिल जाता है 12, 13 फीट ऐसे। सामने की ओर टीवी पैनल, ऊपर की ओर शैंडलियर, फॉल सीलिंग, कोकंसी, लाइट्स का काम, पंखे वंखे लगा के बढ़िया सुंदर बनाया गया है इसको। और जो सबसे बढ़िया विशेषता है वो ये है कि यहाँ पे आपको इसी कंडीशन के अंदर रेंट आउट करते ही बहुत अच्छी रेंटल इनकम मिल सकती है। वो कितनी मिल सकती है उसके लिए मैं आपको वीडियो के एंड तक रुके रहिए बता देता हूँ। आइए थोड़ा आगे, ये हमारी प्रॉपर्टी का किचन है। किचन जनरली स्पेशियस होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए। सिंस ये जो प्लॉट है हमारा, ये 3 साइड ओपन प्लॉट है, तो हमें फ्रंट में भी बालकनी मिल रही है इस वाली प्रॉपर्टी में, एंड राइट हैंड साइड में भी हमें बालकनी या फिर वेंटिलेशन मिलता है डायरेक्ट गली का। इसका किचन का साइज़ आप बोलते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिल जाता है ये किचन लगभग 9 फीट के आसपास, 6, 7, 8, 9, जी हाँ 9 फीट ऐसे मिलेगा। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये आपको मिल जाता है अप्रॉक्सीमेटली 8 फीट के आसपास। तो 8x9 का किचन एक बढ़िया किचन होता है। सॉफ्ट क्लोज फिटिंग्स यहाँ पे, यहाँ पे ओवरहेड स्टोरेज, एम्पल स्टोरेज आपको इधर भी मिलना है। इधर से आते हैं हमारे बेडरूम नंबर 1 में। बेडरूम नंबर 1 के अंदर आपको मिलता है अटैच्ड बालकनी, पहली चीज़ जो हर अगली प्रॉपर्टी में हमें नहीं मिल पाती है। सेकंड चीज़, साइज़ काफ़ी अच्छा है, यहाँ से यहाँ तक इसका साइज़ 12 फीट है,
और जो यहाँ से यहाँ तक है वो भी 12 फीट है। तो 12 बाय 12 का बेडरूम नंबर 1, जिसमें सामने टीवी पैनल, इधर बालकनी और अपना लकड़ी का काम जो रिक्वायर्ड होता है वो सारा का सारा हमें इस प्रॉपर्टी के बेडरूम नंबर 1 में मिलता है। सामने की ओर जो 2 बेडरूम्स हैं उनमें लेके जाने से पहले आपको एक हमारा जो वॉशरूम स्पेस है, एक बार इस पर नज़र मारिए। ये वॉशरूम स्पेस आपको मिलता है 8 फीट बाय 6 फीट के साइज़ में। जी हाँ, ये ऑर्डिनरी से बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है, ऑर्डिनरी साइज़ आपको ये नहीं मिलता। हम डेली बेसिस पे शूट कर रहे हैं तो वी कैन लेट यू नो अबाउट दिस थिंग कि हाँ, ऐसा रोज़ नहीं आता है भाई। इधर आपको जो लंबाई देख रहे हैं ऐसे मिलती है 10 फीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलती है 12 फीट। 10 बाय 12 का रूम नंबर 2 है हमारा। ऊपर कोव कंसील लाइट्स हैं, फिलहाल हमने बंद कर रखी हैं लाइट्स क्योंकि फ्लिकर होता है। साथ ही साथ सामने की ओर हमें वार्डरोब मिलता है, यहाँ से आप एक बालकनी देखते हैं, वो बालकनी हमारी फ्रंट में हमें मिल जाती है पूरी इस रूम के अंदर। यहाँ से टीवी पैनल है, UPVC का काम है। इधर से पीछे चलते हैं, आपको लेके चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर 2 में। जी हाँ, वही बालकनी को आप इस वाले रूम से भी एक्सेस कर सकते हो। साइज़ आपको मिलता है इधर से इधर 10 फीट और यहाँ से यहाँ तक आपको मिल जाता है लगभग 11 फीट ऐसे मिलेगा आपको। और ऊपर आपको मिलता है अगेन डिज़ाइनर वर्क, कोव कंसील लाइट्स, आपका वार्डरोब, यहाँ पे हमारा अटैच वॉशरूम प्लेस्ड है। आइए एक बार, ये हमारा वॉशरूम स्पेस है 6 फीट बाय 5 फीट का। सो दोस्तों, अपने को इस वाली प्रॉपर्टी में तीनों बेडरूम्स में बालकनीज अटैच मिलती है। पीछे वाले में भी अटैच है, फ्रंट के दोनों बेडरूम में भी अटैच है। फिर ऑल इन ऑल इस प्रॉपर्टी के अंदर का जो हम काम देखते हैं, काम काफ़ी बढ़िया है और मेट्रो से पास में है, 300 मीटर की दूरी पे द्वारका मेट्रो स्टेशन से। सो द्वारका मेट्रो स्टेशन पे कभी भी आप अपनी गाड़ी से आएंगे, आपको ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा, ट्रस्ट में नहीं करना पड़ेगा। जब आप विजिट करने भी आते हैं, आप द्वारका की साइड से एंटर कीजिए और इस प्रॉपर्टी तक पहुँचने में आपको किसी तरह की ट्रैफिक वाली समस्या नहीं आएगी। यहाँ से अगर आप द्वारका सेक्टर 14 या कहीं पे भी गुड़गांव साइड में, साउथ दिल्ली साइड में निकलते हैं तो ऑल इन ऑल जो ट्रैफिक वाला हैसल है आपकी लाइफ से वो ख़त्म हो जाता है। द्वारका मोड़ एंड द्वारका, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। प्राइजेस हमने इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। लोनेबल प्रॉपर्टी है ये, लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ में आती है जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखा दी थी। अगर आपने नहीं देखी है आप दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी को रेंट आउट करने पर आपको यहाँ से 22,000 से 24,000 रुपये तक का रेंटल बड़े आराम से मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप इसे फुली फर्निश करके रेंट आउट करते हैं तो आपको 30,000 तक का रेंटल आराम से मिल जाता है। आशा करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। कुछ नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट्स में अपने विचार प्रकट कीजिए ताकि हम उनका रिस्पॉन्स कर पाएँ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।